पीएचई इम्प्लाई यूनाइटेड फ्रंट का धरना है और हमारी जो बनी इशू है जो सबसे पहले यहाँ के जो मुलाजिम है इनकी जो चीफ इंजीनियर साहब जो यहाँ के दो साल हो गए इनको आए हुए मनीष भट्ट को वो हमने बार बार उनके पास गए हैं कि जो यहाँ पे आप दो साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए आप डीपीसी के मैं आज करूंगा कल करूंगा करते करते दो साल उनके हो गए हैं उन्होंने डीपीसी नहीं कही है और जो हमारे मुलाजिम है यहाँ पे और 190 जो है असर हुआ है वो किसी डिपार्टमेंट में क्या बोला किसी को परेशानी नहीं है किसी को रिकवरी नहीं पड़ रही है सिवाय पीएचई के जितने मुलाजिम हमारे पेंशन जा रहे हैं रिटायर जा रहे हैं ये सभी उनको जो एजी ऑफिस है ये चीफ इंजीनियर जो हमारा है जो उनको वो डाल रहा है रिकवरी डाल रहा है मैं साहब बताऊँ आपको मैं और ये जब भी ये हम चीफ साहब के पास जाते हैं तो ये हमारी बात भी सुनते हैं ये लैपटॉप रखा हुआ है इन्होंने बस बोल बोल लेके बैठ जाते हैं तो हम बार बार पूछते हैं कि हमारी जो डिमांड है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है डीपीसी है मेडिकल डिपार्टमेंट में डीपीसी होती है हर डिपार्टमेंट में डीपीसी होती है एक पुलिस वाला होता है पुलिस डिपार्टमेंट में वो दो स्टार बनकर जाता है हमारा जो कर्मचारी है जो जिस ग्रेड में आया है उसी ग्रेड में तक पूछा जा रहा है घर जा रहा है आज दो साल हो गया आप चीफ इंजीनियर को जाके पूछिए मनीष भट्ट को आपने दो साल यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या काम किया यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया जब भी उनसे बात करता है तो कहता मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ मेरी ऊपर तक मेरा अप्रोच है मेरी चाहे वो कोई भी आ जाए जब मीडिया वाले जाते हैं मैं मीडिया वाले की बात नहीं मानता हूँ तो हम ये कहते हैं कि अगर दो साल हो गए उन्होंने कुछ कोई काम नहीं किया है कम से कम जो हमारे जो जो मुलाजिम है हमारे जिनकी डीपीसी नहीं हुई है तो वो कुछ इसके दो महीने रह गया कभी छह महीने रह गया चीफ इंजीनियर कोई काम नहीं किया सर बीते दिनों आपने पहले भी एक स्ट्राइक की थी पर लेकिन क्या उसका भी कोई उसके तरफ भी प्रशासन का कोई रुझान नहीं दिखा पहले भी वो हमने स्ट्राइक की थी जो डेली वेज है लगभग दो दिन की स्ट्राइक की थी पानी की थी No, no, no.